केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है पुलवामा को लेके कि किसे सियासी फायदा हुआ, जांच में क्या कुछ निकला, क्या कहें? ये राहुल गांधी जी के दिमाग का खोखलापन है कि जिस विषय पर देश ने एक बहुत सामर्थ्यवान देश के रूप में दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद शहीदों को सही श्रद्धांजलि दिया गया और सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके और लोगों को हमारे आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले पड़ोसी को सही सबक सिखाया गया, उस बात को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने की जगह उस बात को उभाड़ करके, उस बात को छेड़ करके कांग्रेस एक ऐसे अपना ही थूथू करा रही है। हम कहते हैं कांग्रेस के ज़माने में भी घटनाएं हुई थी, कांग्रेस के ज़माने में कहाँ कहाँ बम विस्फोट देश के अंदर नहीं हुआ, मुंबई में हुआ, सिवाय डोजियर भेजना, पत्र भेजना, बयान देना और चिट्ठी भेजने के अलावा कांग्रेस की 10 साल की सरकार ने क्या किया? और नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा सबक दिया है, चाहे म्यांमार में पूर्वोत्तर के आतंकवादियों का इलाज करना हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों का इलाज करना हो, कि आज आतंकवादी देश के अंदर देश की सीमाओं पर सर उठाने में 100 बार सोच रहे हैं। सरकार किसी मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली, नैतिक जिम्मेदारी की बात? अरे, सरकार पूरी तरह जनता के पर जिम्मेवार है और राहुल हो या कोई, अगर उनका अनाप शनाप विषय उठाएंगे उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं, क्योंकि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया, सरकार विकास कर रही है, लोक कल्याण के काम कर रही है। और सरकार होती किस लिए है? सही विदेश नीति के लिए होती है, देश की रक्षा के लिए होती है, उस मोर्चे पर सरकार अच्छा काम कर रही है। तो जब इनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं तो ये फालतू के काल्पनिक सवाल उठाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए कोई भी फुर्सत में नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि राहुल गांधी को कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।